मैं दीपा वर्मा अभिषेक एजुकेशन फॉर एक्सलेंस के इस ए लर्निंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसे कि बच्चों हमने क्या है, पूरे फिजिक्स का रिवीजन स्टार्ट कर चुका है और आपका एग्जाम परसों ही है, एक ही दिन बचा है जिसमें आपको पूरे फिजिक्स पढ़ना है और आप लोग अपने स्तर पर तैयारी कर रहे हैं। फिजिक्स में मैंने क्या बताया था, 26 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे जिसमें से 3 और 5 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे और 5 मार्क्स के क्वेश्चन इसी फिजिक्स से ही आने वाले हैं। ठीक है, तो आज क्या है, हम इस वीडियो में 3 मार्क्स के क्वेश्चन के देख लेते हैं कि 3 मार्क्स के क्वेश्चन से कौन कौन से टाइप बन सकते हैं। इतने क्वेश्चन बन लोगे तो डेफिनेटली 2 से 3 क्वेश्चन में से 1-2 क्वेश्चन तो 100% है बन ही जाएंगे। ठीक है, तो ये 9 नंबर की तैयारी हम अभी कर लेते हैं। ठीक, तो चलो देरी नहीं करते, डायरेक्ट देख लेते हैं प्रश्नों को। देखो 3 मार्क्स से क्वेश्चन क्या है, इन्हीं से आने वाला है। एक तीनों यूनिट, 3 यूनिट है, तीनों से एक एक 3 मार्क्स से क्वेश्चन आएंगे। 3 मार्क्स से 4 क्वेश्चन आने हैं, है ना। तो 3 क्वेश्चन तो डायरेक्ट फिजिक्स से ही आ रहे हैं, 5 मार्क्स से क्वेश्चन तो यहीं से पक्के हैं और 3 मार्क्स के 3 क्वेश्चन भी यहीं से पक्के। तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे, 3 मार्क्स से जितने क्वेश्चन हैं पिछले आए हैं या इन्हीं में से आएंगे उसको देख लेते हैं। ठीक, चलो आ जाओ भाई। ये पहला हमारा चैप्टर्स कौन से है, ऊष्मा एवं ताप से है। ठीक है, तो इसमें क्या है, सेल्सियस, फारेनहाइट और केल्विन में आपको क्या करना है, चित्र बनाना है। ये चीज़ मैंने पहले वीडियो में बताया था। ठीक, क्या करोगे भैया, आप लोग पूरे स्केल से बनाओगे, है ना। मैं एक रफ डायग्राम बता दे रही हूँ। ठीक, सेल्सियस में क्या है भाई, 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, 32 फ़ारेनहाइट टू क्या है, 212 फ़ारेनहाइट। ठीक, केल्विन में 273 केल्विन से 373 केल्विन। इसी चीज़ का क्या करना है, आपको डायग्राम बनाना है। आप लोग क्या करेंगे, स्केल से बनाएंगे। ठीक, और क्या है, लास्ट में एक फॉर्मूला लिख देना अगर भैया समय है तो। ठीक, ये आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया भैया। अगले पे आ जाओ, मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, सेल्सियस में बताइए। हम जब बुखार बोलते हैं ना 9900 है, तो सेल्सियस में ही नापते, किस में नापते, फ़ारेनहाइट में। तो इसको सेल्सियस में बताना है तो कैसे बताएंगे भाई, सूत्र क्या है हमारा, सूत्र लिख लो भाई, C-0/100-0 इज इक्वल टू F-32 212-32। इसी को क्या लिखते हैं भाई हम लोग, C/100 F-32/180। ठीक, F क्या गिवन है आपको, 98.6 फ़ारेनहाइट याद करना है, C। ठीक, फॉर्मूला लगा लो, ठीक, C/ ये काट दो, ये काट दो, 5 × 10 9 × 18। ठीक, C/5 F का मान क्या है, 98.6 − 32 / 9 C=, 6 में 0 गया 6, 8 में 2 गया 6, 9 में 3 गया 6 / 9 5। सो C=, क्या हो जाएगा, 98.6 × 5/9। इसको आप जब सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 30 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, तो सी का क्या होगा, फ़ारेनहाइट में मान क्या होगा, 37 डिग्री। ठीक, ये आपका क्या हो गया, उत्तर। ठीक, न्यूमेरिकल नहीं बनता बोलते हो क्या, फॉर्मूला ही तो लगाना था और क्या लगाना था, बन गया न्यूमेरिकल। चलो आगे आओ बच्चों, निम्न तापों पर 14 फ़ारेनहाइट को फिर से क्या करना है, हमको सेंटीग्रेड में चेंज करना है। फॉर्मूला क्या था, C/100 F-32 / क्या है भैया मेरे बच्चों, 180। ठीक, C/100 कितना है, 12 में 4 गया 8,
दो में एक गया एक, ठीक, गुणित 5/9, सी का मान कितना आया 10 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, चलो आगे आ जाओ। उष्मा के प्रभाव को हमारे जीवन से जुड़े बताइए उदाहरण, किसमें ताप में वृद्धि करते हैं उसमें। तो भाई जैसे क्या उष्मा का प्रभाव आपने पढ़ा क्या है, ताप में वृद्धि। ताप में वृद्धि करने से क्या होता है भाई, उसके जैसे ताप में वृद्धि करोगे तो वो क्या करती है, उष्मा अवशोषित करती है, उससे क्या उसका तापमान बढ़ने लगता है। ठीक, और क्या पढ़ा था हमने उष्मीय प्रभाव में, अगर ठोसों में देखोगे तो क्या होता है, क्षेत्रीय प्रसार, आयतन में प्रसार, उसके क्षेत्रफल में प्रसार होता है, आयतन में प्रसार होता है, उसके रेखीय प्रसार। तो ये चीज़ें क्या है आपको क्वेश्चन में डालनी पड़ेगी। ठीक, तापमान में वृद्धि क्या करते हैं, तापमान उष्मा बढ़ेगा, उष्मा जैसे जैसे बढ़ाते हैं तो क्या होता है उसका वो उष्मा अवशोषित करती है, उष्मा अवशोषित करने की वजह से क्या होती है वो गर्म होती है। ये हुआ ताप में वृद्धि से। उष्मीय प्रसार, उष्मीय प्रसार में क्या पढ़ते हैं आप ठोसों में क्या देखते हो, रेखीय प्रसार। ठीक है, रेखीय प्रसार, क्षेत्रफल और आयतन। ठीक, रेखीय प्रसार में क्या है, ऊष्मा देने से उसके क्या है उसके लंबाई में वृद्धि होती है, क्षेत्रफल में वृद्धि होती है और आयतन में वृद्धि होती है। तो 3 मार्क्स से क्वेश्चन आएगा, तो इसको क्या है आपको 2-2, 3-3 लाइन में इसको खताना है। 3 मार्क्स से क्वेश्चन मतलब क्या है आपको 50 शब्दों में लिखना है। 50 शब्दों में क्या है, इसको 20 शब्दों में लिख दो, इसको 30 शब्दों में लिख दो, आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न पे आ जाओ। वह ताप ज्ञात कीजिए जो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में समान हो, मतलब क्या है आपको एफ सी बराबर करना है। तो क्या करते हैं, माना एफ इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू एक्स, फॉर्मूला क्या है सी अपॉन 100 एफ माइनस 32 अपॉन 180। ये काटे ये काटा, 5 × 2 = 10 और 9 × 2 = 18। ठीक, 2 से काट दिए, 2 × 5 = 10 × 2 = 18। ठीक, तो क्या हुआ सी अपॉन 5 F माइनस 32 अपॉन 9। ठीक, क्या करो C और F की जगह X रख दो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 9X पाँच दुनी 10, 5 × 3 = 15, 15 और 1 = 160। ठीक, 5 × 2 = 10, 10 का हासिल है 1, 5 × 3 = 15, 15 = 160। ठीक, अब 5x इधर ले आओ, 9x माइनस 5x इज इक्वल टू क्या हुआ माइनस 160। 9 में 5 गया 4 माइनस 160, सो x इज इक्वल टू माइनस 160 अपॉन 4 माइनस 40, अतः माइनस 40 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू माइनस 40 फ़ारेनहाइट। तो क्या होगा, माइनस 40 पर फ़ारेनहाइट व सेल्सियस समान होंगे। उत्तर इतना आपको बनाना, ये क्या है 3 मार्क्स से क्वेश्चन में आ सकता है। मैंने बताया था ना कि इस चैप्टर से 3 मार्क्स से क्वेश्चन ही आएंगे, और क्या है ये आपके तापमान पर निर्धारित ही होंगे। ठीक, चलो अगले चैप्टर पे आ जाते हैं। परावर्तन के नियम लिखिए और नामांकित चित्र बनाइए। तो परावर्तन क्या था भाई, किसी किरण का एक सतह पर टकराकर वापस रह जाना। ठीक, पहला नियम क्या था, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा। दूसरा नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही सतह पर होंगे। देख लो भाई, प्रकाश की किरण किसी वस्तु के सतह पर पड़ती है, वापस प्रेषित करने का प्रक्रम क्या कहलाता है, प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन के नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब सभी एक ही सतह पर होते हैं, परावर्तन कोण सदा आपतन कोण के बराबर होता है। डायग्राम बनाना बच्चा, ये आपको बता देना है, बस क्या है डायग्राम हो गया। अगले क्लोज आ जाओ,
आभासी और वास्तविक प्रतिबिंब में अंतर लिखिए। आभासी क्या होता है भैया, एक देख लो डायग्राम से, पैरेलल आती है तो किससे जाती है, फोकस से होकर जाती है, फोकस से आती है तो पैरेलल जाती है, तो ये यहाँ पे मिल रहा है। तो ये क्या है, जिस ओर रेखा आ रही है उसी ओर बन रही है, तो ये क्या है हमारा वास्तविक। तो इसे पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं क्या, हाँ, ये सीधा बन रहा है उल्टा बन रहा है, उल्टा बन रहा है, ठीक। अब आभासी देख लो भाई, फोकस से गई, पी से आई ऐसे, तो इसको क्या करते हैं हम लोग पीछे बनाते हैं। तो ये क्या है, पर्दे के पीछे, मतलब पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है क्या, नहीं, ये उल्टा बन रहा है, सीधा बन रहा है, सीधा बन रहा है। तो भाई आभासी और वास्तविक अंतर क्या हुआ, इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। ये कैसा बनता है, सीधा बनता है। वास्तविक कैसा बनता है, उल्टा। और इसमें किरण आती हुई प्रतीत होती है, और इसमें एक्चुअल में किरण आती है। तो ये क्या है, आपको इस, आपको पूरा टेबल बताना है, मैंने क्या बताया कि इसके अंतर क्या होते हैं। तो आपको ये तीन चीजें याद करके तीन नंबर का है बना देना है, ठीक, हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अपवर्तन के नियम, अपवर्तन क्या है भाई, प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाना, वापस नहीं जाता, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, यही क्या है प्रकाश का परावर्तन। इसके दो नियम क्या है भाई, पहला क्या है, आपतन आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही सतह पर होते हैं। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और दोनों माध्यम के पृथक करने वाले पृष्ठ पर आपतन बिंदु पर अभिलंब एक ही तल पे होते हैं। दूसरा, प्रकाश किसी निश्चित रंग या निश्चित माध्यम से युग्म के लिए आपतन कोण की जा, अपवर्तन कोण की जा के स्थिर होता है, मतलब साइन आई अपॉन साइन आर क्या होता है, इसी को क्या कहते हैं हम, स्नेल का नियम। इसका चित्र बनाना है, एंगल आई एंगल आर, ये क्या होगा हमारा आपतन कोण, ये हो गया हमारा अपवर्तन कोण, ठीक। इसी स्थिरांक के मान को दूसरे माध्यम के पहले माध्यम के सापेक्ष क्या कहते हैं, अपवर्तनांक, मतलब आपतन कोण की जा और अपवर्तन कोण की जा के अनुपात को ही हम क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं, ठीक। चलो आगे बढ़ो बच्चों, अपवर्तनांक क्या है, तो अपवर्तनांक क्या है भाई, किसी माध्यम के युग्म के लिए जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम आती है तो आपतन कोण की जा और अपवर्तन कोण की जा के अनुपात को ही हम क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। या किसी एक वर्णी प्रकाश की किरण के लिए एक माध्यम में प्रकाश की चाल बटे दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को ही क्या कहते हैं हम, अपवर्तनांक कहते हैं, ठीक। क्या है भाई अपवर्तनांक, माध्यम एक में प्रकाश की चाल बटे माध्यम दो में ठीक, इसी को कहते हैं। इसका मात्रक क्या होगा भाई, क्योंकि सजातीय राशि इसलिए क्या है, मात्रा इसकी नहीं होती है, ठीक। यही क्या है आपका अपवर्तनांक, अपवर्तनांक से तीन मार्क के क्वेश्चन आएंगे तो आपको वही बताना है, या तो म्यू इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, और क्या बताना है, अपवर्तनांक बराबर माध्यम एक में प्रकाश की चाल बट्टे माध्यम दो में प्रकाश की चाल, इसी को क्या कहते हैं हम, अपवर्तनांक कहते हैं, ठीक। समझ गए, हो गया, आगे बढ़ू। चलो क्या है भाई अगला क्वेश्चन, अपवर्तन घटना के दो नियम, दो उदाहरण बताइए। तो पहला क्या है, तारों का टिमटिमाना, तारों का टिमटिमाना, ठीक। इसमें कैसे होता है भाई, देखो ये क्या है हमारी वायुमंडलीय सतह है, यहाँ पे क्या है हमारे तारे, ठीक। अब हम यहाँ से देख रहे हैं तो क्या ये डिफरेंट लेयर है, सघन विरल सघन विरल, तो क्या होती है, सघन से विरल आती है तो क्या होती है, वो दूर हटती है, विरल से सघन आती है तो पास होती है, तो ये क्या हो, ऐसे 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 आती है, इसी कारण क्या होते हैं हमें तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, ठीक। दूसरा क्या है, किसी बीकर में डूबी हुई छड़ का क्या है, हमारे तिरछा दिखाई देना, ठीक। जैसे ये देख लो, ठीक,
ये क्या है, सघन से विरल जाएगी, यहाँ से किरण निकली तो ये क्या होगी, अभिलंब से दूर हटेगी, ठीक, ये आ रही है हमारी आंखों पे। अब इसको आप आगे बढ़ाओगे तो ये आती है, इसलिए क्या है, जो प्रकाश की हमें जो छड़ है वो क्या होती है, जो ये कांच की छड़ है वो क्या हमें क्या करती है, तिरछी दिखाई देती है, ठीक। तो यही दो क्या है आपको उदाहरण देने हैं और ये डायग्राम बना देना है, ठीक, हो गया। देखो बच्चों पूरा चैप्टर पढ़ाया हुआ, मैं अभी बस आपको रिकॉल कराते जा रही हूँ ताकि आपको बस चीज़ें याद आ जाए, हाँ ये था ये था, आप लोगों को इतनी चीज़ें भी याद आ जाएगी ना, आप एग्जाम में आराम से लिख लोगे, ठीक। चलो आगे बढ़ूँ मैं। यदि पानी का परम अपवर्तनांक 4/3 है तो पानी में प्रकाश की चाल बताइए। परम अपवर्तनांक मतलब क्या है भाई, निर्वात से किसी पानी में आना, ठीक। परम मतलब क्या है भैया, देखो मैंने देख बताया था, निर्वात में प्रकाश की चाल बट्टे माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम हमारा अभी क्या है, पानी, ठीक। चलो आ जाओ, निर्वात में प्रकाश की चाल बट्टे क्या है, माध्यम मतलब पानी में प्रकाश की चाल, हमें यही निकालना है। तो क्या माने हम इसको, x मान लेते हैं, ठीक। तो परम अपवर्तनांक क्या दिया है, 4/3, और हम क्या जानते हैं निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3×10^8 x, x इधर ले आओ भाई, तो 3×10^8 × 3/4, 3×3 = 9/4, 4×1 = 8, बचा क्या, 2×1 मतलब 4×2 = 5, तो क्या होगा, 2.25×10^8, ठीक। तो क्या हुआ भाई, पानी में प्रकाश की चाल कितनी होगी, 2×5×10^8 m/s, ठीक है। यही क्या हो गया आपका उत्तर, यहाँ पे क्या लिखेंगे, हल। परम अपवर्तनांक जानते, हम जानते हैं कि परम अपवर्तनांक बराबर क्या होता है, निर्वात में प्रकाश की चाल बट्टे पानी में प्रकाश की चाल, ठीक, या माध्यम में प्रकाश की चाल दिया है, क्या है, अपवर्तनांक दिया है आपको, और हम जानते हैं कि निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है, 3×10^8 m/s। तो इस तरीके से हल करके आपको क्या निकालना है, पानी में प्रकाश की चाल, ठीक है बच्चों। बच्चों हो सकता है बहुत फास्ट हो रहा है, लेकिन क्या है आपको चीज़ें जल्दी जल्दी खत्म करानी है, और आपको क्या है बस एक क्विक रिवाइज करना है, इसलिए क्या है मैं बहुत जल्दी जल्दी चीज़ें बताते जा रही हूँ, आप पेन कॉपी लेके क्या है इसको सॉल्व करते चलो, आपको आराम से समझ आ जाएगा, बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक। आगे बढ़ूँ, गोली दर्पण किसे कहते हैं, उसके प्रकार, इसके क्या है हमें वक्रता केंद्र, त्रिज्या, द्वारक दूर, ये सब बतानी है, ठीक है, या गोली दर्पण के उपयोग, ठीक। तो ये सब चीज़ें मैंने पहले कराई है, बस क्विक रिविजन में बता रही हूँ कि भाई इतने 3 मार्क्स के क्वेश्चन में इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक। चलो गोई दर्पण देख लो, ऐसे दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोली है गोई दर्पण कहलाता है, ठीक। गोई दर्पण के प्रकार, अवतल दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर हो अर्थात गोले के केंद्र की ओर हो, ये आपका गोला है तो परावर्तक पृष्ठ गोले की ओर हो तो ये क्या होता है हमारा, समतल, ठीक। वह गोई दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर हो, ठीक, यही क्या है, अवतल और उत्तल, 3 मार्क्स से क्वेश्चन में ये आएगा तो आपको लिखना होगा, ठीक। और क्या बताया था, वक्रता केंद्रित, ये सब आपको चीजें पूछी थी, है ना। तो देखो ये एक गोला है, इसको हमने काटा, ये क्या होगा, इसका सेंटर होगा, ठीक। तो अगर इसको अवतल को लूं मैं तो इसका सेंटर यहाँ पे होगा, ये हो गया हमारा मुख्य अक्ष, ये हो गया हमारा एफ और पी। तो पहला क्या है भाई, वक्रता त्रिज्या, तो उस गोले का भाग है जहाँ, जिस गोले का भाग होता है उसका केंद्र ही क्या कहलाता है, उसका वक्रता त्रिज्या। फोकस क्या है, जब किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं तो एक बिंदु से होकर जाती है और उसी बिंदु को क्या कहते हैं हम, फोकस कहते हैं, ठीक। वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या क्या हुई भाई, जिस गोले का पार्ट है उसकी त्रिज्या ही क्या कहलाती है, इसकी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। ध्रुव क्या हुआ, जहां पर से क्या है मुख्य अक्ष और सी के मध्य खींची गई रेखा ही क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष।
तो ये सब डेफिनेशन मैंने आपको बताया है और इसी डेफिनेशन को क्या है आपको एक एक बार पढ़ना है और आप समझ गए कि गोले का भाग है तो आप अपने आप क्या है इसका उत्तर लिख लोगे। ठीक, आगे बढ़ रही हूँ। ओके, उत्तल दर्पण अवतल दर्पण में अंतर, 3 मार्क्स से क्वेश्चन आएगा, अंतर आ सकता है। अवतल दर्पण क्या होगा भाई, जिसे किनारे उभरा हुआ हो और बीच में दबा हुआ इस टाइप का, अवतल क्या होगा ऐसा होता है। अवतल दर्पण में प्रकाश किरण परावर्तन के बाद एक निश्चित बिंदु अभिसारित होती है। ठीक, इसमें क्या है अपसारित होती है, मतलब क्या है फैलती है। यह दर्पण अभिसारी दर्पण है, यह दर्पण अपसारी दर्पण है। इसमें क्या बताएंगे, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बड़ा बनता है और उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब छोटा बनता है। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। ठीक, इसमें क्या है वास्तविक प्रतिबिंब मिलता है, इसमें क्या है आपको आभासी प्रतिबिंब मिलता है। तो इतने क्या है आपको अंतर बताने हैं, आपके 3 मार्क्स हमेशा 100% पक्के होंगे। ठीक, अब उत्तल अवतल हो गया, अब क्या देखते हैं समतल और उत्तल पे। ठीक, तो समतल का क्या है भाई, समतल दर्पण स्पर्श करने पे सभी समान होगा इस टाइप से। उत्तल दर्पण क्या है, किनारों से दबा हुआ और एक साइड से उभरा होगा। इसमें प्रतिबिंब सदैव सीधा और वस्तु के आकार का बनता है, इसमें प्रतिबिंब सदैव सीधा और वस्तु से छोटा बनता है। प्रतिबिंब की दूरी समतल से जितनी होगी, जैसे मैं यहाँ खड़ी हूँ दर्पण वहाँ है, तो सेम प्रतिबिंब की दूरी भी उतनी ही दूरी होगी, लेकिन उत्तल दर्पण में उतनी नहीं होती जितनी वस्तु की दूरी है। हमें क्या लगता है कि गाड़ी हमारे बहुत पास है, लेकिन होती क्या है बहुत दूर होती है। तो यही क्या है समतल और उत्तल में आपके अंतर लिखने हैं। ठीक है, आगे बढ़े, स्पर्श करके बताना है या कैसे आप बता सकते हो कोई उत्तल है समतल है अवतल है। ठीक है, तो क्या है भैया, एक तो आप क्या करोगे स्पर्श करके, दूसरा प्रतिबिंब कर देख के। तो स्पर्श करके कैसे पता लगाओगे, समतल है तो क्या हो जाएगा समतल दर्पण, दबा हुआ है अवतल, उभरा हुआ है उत्तल दर्पण। ठीक, प्रतिबिंब को देखकर यदि दर्पण के सम्मुख रखी वस्तु प्रतिबिंब का सदैव सीधा और वस्तु के आकार का बनेगा समतल होगा। यदि दर्पण के सम्मुख रखी वस्तु अलग अलग स्थितियों में वस्तु का प्रतिबिंब सीधा लेकिन वस्तु से बड़ा और उल्टा बन रहा है तो क्या होगा अवतल। यदि प्रतिबिंब सदैव सीधा और छोटा बने तो क्या होगा उत्तल। इसी चीज को याद करना है, समतल में सीधा बनेगा वस्तु के आकार का बनेगा, अवतल में क्या होगा बड़ा या उल्टा बनेगा। ठीक, उत्तल में क्या होगा सदैव सीधा बनेगा और क्या होगा छोटा बनेगा। इसी तरीके से क्या है आपको आंसर लिखने हैं। आगे बढ़ूं, ठीक चलो नेक्स्ट चैप्टर पे आ जाओ। नेक्स्ट चैप्टर से क्या है, प्रतिरोध क्या है, उसका एसआई मात्रक क्या है। तो प्रतिरोध क्या है भाई, किसी चालक का वह गुण जिस जो धारा प्रवाह के मार्ग में रुकावट डालता है, अथवा यदि किसी बंद परिपथ में संयोजित चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो उसके सिरों पर मध्य विभ्रांतर उसकी धारा के क्या होती है अनुपात के बराबर ही क्या कहते हैं प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, फिर से बोलो, चालक का वह गुण है जिससे धारा के प्रवाह के मार्ग में रुकावट आती है, या क्या है R इज इक्वल टू क्या होगा V अपॉन I। विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो उसके सिरों के मध्य विभ्रांतर और प्रभावित हुई धारा के क्या होते हैं निश्चित अनुपात को ही क्या कहते हैं हम चालक का प्रतिरोध कहते हैं, और इसका मात्रक क्या होता है ओम। ठीक, प्रतिरोध क्या है, किसी विद्युत किसी चालक में बहने वाली धारा का क्या करना रुकावट डालना ही क्या है प्रतिरोध। और क्या बोल सकते हैं, किसी चालक में बहने वाली धारा और उसमें उसके सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर के अनुपात को ही हम क्या कहते हैं प्रतिरोध कहते हैं। ठीक चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किसी चालक के प्रतिरोध किन किन कारणों पर निर्भर करते हैं भाई, पहले ही बताया था प्रकृति पर, लंबाई पर, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्र पर, तापमान पर। लंबाई के क्या होती है समानुपाती, एरिया का वृत्त का अनुपाती, तापमान जैसे जैसे बढ़ता है प्रतिरोध भी क्या है बढ़ता जाता है, और अलग अलग चालकों के पदार्थ पर क्या है पदार्थों के अनुसार क्या है प्रतिरोध भी अलग अलग होता है। ये क्या है आपके 3 मार्क्स से क्वेश्चन आएंगे, ये 4 चीजों को लिख के क्या है आपको एक एक लाइन में डिफाइन कर देनी है। ठीक चलो आगे बढ़ो भाई, विद्युत प्रयोग में रखे जाने वाली सावधानियां बताइए, कुछ कुछ चीजें भाई लिस्ट कर देना, सिंपल सा बात है। स्विच प्लग को कसा हुआ जोड़ना चाहिए, उचित विद्युत रोधी परत के साथ तार का प्रयोग लेना चाहिए, खराब अथवा क्षतिग्रस्त तार को तुरंत बदलना चाहिए, आग लगने दुर्घटना होने पर परिपथ का स्विच तुरंत बंद करना चाहिए, प्रत्येक परिपथ में उचित पदार्थ आवश्यक क्षमता वाले फ्यूज तार का उपयोग करना चाहिए, सभी विद्युत उपकरणों को भू तार अवश्य लगाना चाहिए, बिजली के स्विचों व उपकरणों के लिए गीले हाथ से ना करना चाहिए। ये तो नॉर्मल सी चीज़ है, ये आया 3 मार्क्स में लिख देना। नेक्स्ट चैप्टर पर आ जाते हैं भाई, चुंबकीय बल रेखाओं के गुण क्या है भाई, बाह्य मार्ग में ये चुंबक उत्तर ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव,
उत्तरी से दक्षिणी ध्रुव, ये चुंबक भीतर में दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर आते हैं, संपूर्णता बंद वक्र होते हैं क्योंकि बाहर ऐसे क्लोज हो रहे हैं, ये एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। ध्रुवों पर चुंबकीय बल रेखाएं पास पास होती, जिससे यह पता लगता है कि ध्रुवों पर चुंबकीय बल रेखाएं ज्यादा होती हैं और दूसरे जगह अन्य भागों पर कम होती हैं। ये आपको डायग्राम बना देना है, 3 मार्क्स से क्वेश्चन आपको हो गया। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो, चुंबक के 3 प्रमुख गुण लिखिए। तो क्या है भाई, चुंबक लोहे निकल जैसे कुछ अन्य पदार्थों को आकर्षित करता है, घुमाने पर स्वतंत्र छोड़ने पर चुंबक सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में आता है, एक चुंबक को कई भागों में बांटे जाते हैं तो सतह क्या है, एक चुंबक बन जाता है। और क्या करना है आपको, एक चुंबक का डायग्राम बना देना है। ठीक, यही हो गया, 3 मार्क्स के हो गए क्वेश्चन। अगला आ जाओ भाई, किसी सीधे तारवाही चालक में तार चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को निर्धारण करने वाला नियम, धारा कौन सा था, राइट हैंड थंब रूल क्या था, ये क्या बता रहा है आपको, चालक में धारा की दिशा बता रहा है तो उसके घूमने वाली उंगलियां क्या बताती हैं, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, यही बताना है। किसी सीधे धारावाही चालक में तारों के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को निर्धारित करने के लिए क्या करते हैं, हम दाएं हाथ का नियम लगाते हैं। इस नियम के अनुसार यदि तार, अगर हम अंगूठे को तार के तार में बहने वाली धारा को देखें तो उसके चारों ओर जो उंगलियां हैं वो क्या बताती हैं हमें, विद्युत बल चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा, इसी को आपको लिखना है। ठीक, सीधे धारावाही चालक में तार बहने वाली धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को दाहिने हाथ के नियम से ज्ञात किया जाता है। कल्पना कीजिए जब आप दाहिने हाथ में धारावाही चालक की तार को इस प्रकार पकड़े हैं कि आपका अंगूठा धारा की दिशा में है, तो मुड़ी हुई उंगलियां क्या बताएंगे, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। हो गया, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। अगला, प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में अंतर बताना है। तो क्या है भाई, ऐसी धारा जिसका परिणाम और दिशा समय के साथ बदले, ऐसे ऐसे, ये क्या होती है, प्रत्यावर्ती धारा, दिष्ट धारा, ऐसी धारा जिसका परिणाम और दिशा के साथ ना बदले, ये सीधा चलती है। जनित्र से इसे प्राप्त करने हेतु जनित्र में सर्पी वलय लगाया जाता है, जनित्र से इसे प्राप्त करने हेतु विभक्त वलय लगाया जाता है। घरों में प्रयुक्त धारा क्या होती है, प्रत्यावर्ती धारा होती है। सेल में प्राप्त होने धारा क्या होती है, दिष्ट धारा होती है। भारत में घरों में प्रयुक्त धारा की आवृत्ति क्या होती है, 50 हर्ट्ज होती है। इस धारा की आवृत्ति 0 हर्ट्ज होती है। ये केवल विद्युत धारा को दिखाती है, ये चुंबकीय ये क्या है, अलग अलग धाराओं को भी दिखाती है। ठीक, यही क्या है, इन दोनों में अंतर होता है। अगला देख लो भाई, जनित्र, डायनेमो और विद्युत मोटर में, तो ये क्या करता है भाई, यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत डेवलप करता है। ठीक, यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, बल्कि मोटर क्या है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। जनित्र में सर्पी वलय का उपयोग करते हैं, मोटर में विभक्त वलय दिक परिवर्तक का उपयोग करते हैं। यह चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे है, मतलब क्या है, आप बल लगाते हो, चुंबकीय क्षेत्र डेवलप करते हैं, तो क्या है, धारा बहने लगती है। बल्कि यहाँ क्या है, धारा बह रही है, चुंबकीय क्षेत्र डेवलप है, तो उसके कारण क्या होता है, बल लगता है। ठीक, यह धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र रखने पर बल लगता है, उसके सिद्धांत पर कार्य करती है। यह विद्युत का उत्पादन करता है, यह मिक्सी कूलर आदि में उपयोग होता है। ठीक, तो ये क्या था बेटा, आपके पूरे 3 मार्क्स से क्वेश्चन थे। आई होप आपको लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा लंबा है, लेकिन क्या है, पूरे आपके 3 मार्क्स से क्वेश्चन हो गए। 3 मार्क्स का क्वेश्चन हो जाएगा, 3 मार्क्स के 4 क्वेश्चन आने वाले हैं, जिसमें से 3 क्वेश्चन तो फिजिक्स के आने हैं, तो पूरे आपके 3-3 क्या है, 9 मार्क्स के पक्के हो गए यहाँ से। ठीक, 5 मार्क्स का क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में हो जाएगा, तो इससे क्या, आपके पूरे फिजिक्स की तैयारी हो गई। आपको लगता है डर, अब बोलो मेरे बच्चों को डर लग रहा है क्या, नहीं, तो आपका क्या, पूरे ऐसे तैयारी करोगे बेटा, हो जाएगा। आराम से पढ़ो, 2 बार बस वीडियो को सुन लो और आंसर अपने से लिखने की प्रैक्टिस करो, पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक की बेस्ट ऑफ लक, अपना नई तैयारी अच्छे से करते रहें।